हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को राक्षसों का नरसंहार करने के लिए धरती पर कई अवतार लेने पड़े हैं। प्रमुख रूप से 24 अवतारों में से एक अवतार हयग्रीव था, जो ग्रंथों की माने तो 16वें अवतार का ही रूप है। वैसे तो भारत देश के दक्षिण भाग में भगवान विष्णु के बहुतायत संख्या में मंदिर स्थित हैं, जहां वैष्णव धर्म को मानने वाले लाखों श्रद्धालु अपना मत्था टेकते हैं। लेकिन भगवान के जिस रूप की वह पूजा अर्चन करते हैं, उस रूप की एक लौकिक प्रतिमा दमोह जिले के मोहन ग्राम से खुदाई के दौरान मिलना इस बात का द्योतक है कि दमोह की पावन धरा पर वैष्णव संप्रदाय के लोग भी पले बड़े होंगे। रानी जमीन की जिला को लेकर संग्रहालय में विभिन्न प्रदर्शित प्रतिमाओं में, विशेष प्रतिमाओं में एक ऐसी प्रतिमा है जो हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में अनुचित है। उनमें से एक भगवान विष्णु के जो अवतार स्वरूप हुए हैं, उस अवतार स्वरूप में एक अवतार हुआ है हयग्रीव अवतार। हयग्रीव नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने घोड़े की सिंहनुमा स्वरूप आकृति स्वरूप धारण किया और हयग्रीव का वध किया। तब से यह स्वरूप हयग्रीव नाम से जाना जाता है। दमोह जिले को मोहर नामक स्थान से प्राप्त है। इस प्रतिमा का पाया जाना इस बात का द्योतक है कि वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग भी इस जिला में पर रहते हैं। यह है कि प्रतिमा इस संग्रहालय की बहुमूल्य और बेशकीमती प्रतिमा से दक्षिण भारत में हयग्रीव के मंदिर को देखने को मिले प्रतिमा वहाँ पर मौजूद है। भारतवर्ष में अनूठी प्रतिमा होने का यह हमको ही मौका या अवसर मिला है कि दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में भगवान हयग्रीव का अंकन यहाँ मौजूद है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।